किन हालतों में रोज़ा छोड़ने और मुअख्खर करने की इजाज़त और लचक कुरान और हदीस से मुयस्सर है। अल्लाह सुभान व तआला ने जब फमन शाहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुम फरमाया तो साथ ही फरमा दिया फमन कान मिनकुम मरीजन अवला सफरिन फ़ईद्दतुम मिन अयामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वला तुकब्बिरुल्लाहा लअल्लकुम तशकुरून। शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ तंगी नहीं तुम्हारे साथ आसानी और सहूलत चाही है। तो अगर इन दो हालतों में हो तुम मरीज हो या तुम सफर में हो तो फिर क्या करो छोड़ नहीं देना। छोड़ने की इजाजत नहीं है मुअख्खर की इजाजत है। मुअख्खर और छोड़ने में फर्क है। छोड़ने का मतलब तो कुल ही छोड़ दिया ना छोड़ना नहीं है मुअख्खर करना है। मुअख्खर करने का मतलब पोस्टपोन करना है अब नहीं रख सकते रमजान के बाद इनको पूरा करना है। वलितुकमिलुल इद्दता ताकि तुम तादाद को पूरी करो। दो हालतें कुरान में मनकाना मिनकुम मरीजन कोई मरज है स्पेसिफाई नहीं किया गया हाईलाइट नहीं किया गया कैटेगराइज नहीं किया गया एनी बीमारी ये नहीं बताया गया कि कितना बुखार होगा 103 104 ये नहीं बताया गया कि कितना ब्लड प्रेशर होगा ये नहीं बताया गया कि शुगर कहां तक पहुंचेगी। इट इज जस्ट फॉर दैट पर्सन हिमसेल्फ बिटवीन ही एंड हिज अल्लाह। वो इंसान आपको पता है कि हर एक शख्स का थ्रेशोल्ड भी फर्क होता है बर्दाश्त भी फर्क होती है। कुछ लोग 102-103 बुखार को भी बड़ी आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ 99 के ऊपर ही कपकपाने और लड़खड़ाने लगते हैं। हर शख्स का एक अपनी कुव्वत बर्दाश्त है। तो लिहाजा जब एक शख्स ये समझता है कि मैं मरीज हूँ तो फिर उसको क्रॉस क्वेश्चन और क्वेरी करने का हक और इख्तियार किसी के पास नहीं। अल्लाह ने कह दिया तुम महसूस कर रहे हो तुम मरीज हो तुम नहीं रख सकते ओके फाइन इट्स बिटवीन यू एंड मी। उसको इजाजत है कि वो अपने मर्ज को ऐसा समझ रहा है कि इस मर्ज में मुझे रोजा रखने में तकवा और पूरे पैमानों को मैं पूरा नहीं कर सकूंगा तो उसको मुखर करने की इजाजत है एनी मर्ज़।